हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग चार पाठ द्वादश पाठ है क्षत्रियस्य कूपे, क्षत्रियों का कुआं। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पाठ बच्चों प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद जी ने हिंदी में इस पाठ को लिखा है, उसमें लिखा है ठाकुर का कुआं। पहले जमाने में आप बच्चों ये समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा छुआछूत जातिवाद का बहुत बहुत प्रभाव था। उसी पर ही एक प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है कि क्षत्रियों का कुआं। कुएं, पानी, नदियां सब बटे हुए थे कि ये उस जाति के लोग लेंगे, ये इस जाति के लोग लेंगे। उससे संबंधित उस पर प्रकाश डालते हुए, जबकि जो जोखू नाम का जो व्यक्ति है ये बीमारी से पीड़ित है, उसको पानी की बहुत प्यास लगी है, पर इसकी इसने अपनी पत्नी से कहा मुझे दवाई लेनी है, पानी पीना है। लेकिन अब पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या कहा उसने। सबसे पहले ये कथा प्रेमचंद महोदय के द्वारा लिखी गई है और इसमें जोखू जो लड़का आदमी है कि इदम पानीयम, क्या ये पानी है, अस्मिन दुर्गंधा वर्तते, इसमें दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, अधुना किम पिबानी, आज क्या पीऊं मैं, पिपास है आती व्याकुल, प्यास से मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। तो गंगा जो उसकी पत्नी है उसने कहा कष्टम कष्टम किम कर्तम, बहुत दुख है, बहुत दुख है, पर क्या करना चाहिए हमें। अहम है हिदम जलम तड़ागात अनयम, मैं कल ये जल तालाब से लाई थी, अतः अस्मिन जले दुर्गंधा वर्तते, इसलिए इस जल में दुर्गंध यानी कि बदबू आ रही है। क्षत्रिय से कुपर समीप एव अस्ति, जो क्षत्रियों का कुआ है, क्षत्रिय एक जाति होती है ना बच्चों, वो कुआ उनका अलग है। हम तो शूद्रास्मि, मैं तो हम तो शूद्र है, इसने कहा गंगा ने कि मैं शूद्र हूँ और वो क्षत्रियों का कुआ है। कुपात कथम जलमान, यानी मैं कुएं से कैसे जल ला सकती हूँ। जोखू ने कहा हंत बहुत दुख हो रहा है मुझे, अधुना तू पिपासया अति व्याकुलो अस्मि, मैं आज प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, जीवितम अपि धारयितुं न शक्नोमि, ऐसा लग रहा है कि मैं आज जीवित नहीं बचूंगा। आनय तदेव जलम कथंचित घ्राणम नियम पिबामी किंचित, तुम कुछ जल लाए कर आओ और जिसको सूंघ कर मैं कुछ तो पानी पी लूंगा। गंगा ने कहा नहीं नहीं, ये तक जलम हम नहीं दस्यामि, तुम ये वाला जल, उसने कहा था यही वाला जल दे दो, इसी पानी को दे दो, मैं इसको नाक बंद करके ही पी लूंगा, कैसे भी बदबू आ रही है कोई बात नहीं। तो गंगा ने कहा नहीं नहीं, इस जल को मैं तुम्हें नहीं दूंगी, इदम तु अति दूषितम, ये तो बहुत दुर्गंध आ रही है इसमें, अन्यत आनेष्यामि, मैं कहीं और से ले आऊंगी। तो जोखू ने कहा तथा कस्मात स्थानात जलम आनेष्यसि, तो तुम किस जगह से जल लेकर आओगी। तो गंगा ने कहा माँ चिंते, आप चिंता मत करो, दुखी मत हो, क्षत्रिय से कूपमेव गच्छामि, मैं क्षत्रियों के कुएं पर जाती हूँ, चिंतयामि से अनुमतिम दास्यति, और वो सोचने लगती है और फिर वो माँ से आज्ञा लेकर निकल जाती है। और मैं, उसने कहा गंगा ने कि मैं कुछ सोचती हूँ और वो जरूर मुझे कुछ पानी दे देगा, कुछ विचार करेगा इस बारे में, वो उसकी मुझे अनुमति दे देगा। जोखू ने कहा तमति पुत्र गतक, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है, किम तत्र इव अंगानी सुरक्षितानी भविष्यति, क्या तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारे सारे अंग सुरक्षित रहेंगे ऐसा करने से। क्षत्रिय से परिवार जना त्वाम दंडेन प्रादिश्यन्ति, क्षत्रियों के परिवार वाले तुम्हें डंडे से मार देंगे। अब जो कह चिंतेति दीनस्य दुखम, हमारे बारे में आज हम गरीबों के बारे में कौन चिंता करता है, तत्र न गच, वहां मत जाओ, वयम शूद्रास्मे, हम लोग शूद्र हैं। गंगा स्तब्धा तिष्ठति, गंगा बिल्कुल स्तब्ध होकर बैठ जाती है। दिनस्य अवसाने अंधकारे गंगा शनै शनै क्षत्रियस्य कूपं गच्छति, और जब दिन थोड़ा ढलने लगा था और अंधकार होने लग गया था तो गंगा धीरे धीरे क्षत्रियों के कुएं पर जाती है। सा दूरात पश्यति, वो दूर से ही देखती है कि यद क्षत्रियस्य जना वार्तालाम कुर्वन्ति, कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो बातें कर रहे हैं आपस में, तस्य समाज सेवाम प्रशंसते तिष्ठन्ति, और उनकी ये समाज सेवा बहुत प्रशंसा की जाती है, उनकी समाज सेवा की वो जो बातें कर रहे हैं। गंगा मूका एव दूरे तिष्ठति, गंगा बिल्कुल चुप होकर दूर भी खड़ी हो जाती है। समय गमयति, समय धीरे धीरे चलता है। सा विचारयति, वो विचार करती है, ग्रामे अयमे कूपे अस्मात् सर्वे जना जलम नयन्ति, वो विचार करती है कि गांव में इसी कुएं से सभी लोग जल लाते हैं, अहम शूद्रास्मि, मैं शूद्र हूँ, अहम अस्मात् कूपात् जलम नेतुम न समर्था,
मैं इस कुएं का जल लेने में समर्थ नहीं हूँ। उच्च जातियां अस्मात् जलं नयन्ति, उच्च जाति वाले लोग ही इस कुएं से जल लाते हैं। इमे उच्च जातिया, ये उच्च जाति वाले लोग हैं। यतः ते सूत्रं धारयन्ति न वयम्, ये लोग जनेऊ धारण करते हैं, हम धारण नहीं करते। एषा कार्यं महत् निंद्यम्, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि ये लोग जनेऊ धारण करते हैं, तो ये ऊंची जाति के लोग कहलाए जाते हैं। अहम अयम क्षत्रियो मदिराम पिबन अपशब्दान वदति, ये क्षत्रिय शराब पीता है और बुरी बात बोलता है। स दीनानां धनम अपहरति, तथापि से उच्च जाति है, वह गरीब लोगों का धन हर लेता है तब भी वो ऊंची जाति का कहलाता है। अयम ब्राह्मण अस्ति, ये ब्राह्मण है। अस्य गृहे नित्यं द्युतं भवति, इसके घर में रोज क्या होता है, जुआ होता है। अत्र एव सः वणिमस्ति, वहां वो जो है वो एक बनिया है, व्यापारी है। यह कार्यम कारित्वा वृत्तिम न ददाति, जो कार्य करता है उसका धन ये लोगों को नहीं देता है। तथापि इमे सर्वे उच्च जातिया, तब भी ये सब लोग ऊंची जाति के लोग हैं। गंगा क्या विचार कर रही है कि ये बनिया है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये सब कोई जनेऊ धारण करता है, जबकि ये क्या है, जो क्षत्रिय है वो तो अपशब्द भी बोलता है, शराब भी पीता है, और ये गरीबों का पैसा भी ले लेता है, तब भी ये उच्च जाति का है। और ये जो ब्राह्मण है, इसके घर में रोज जुआ भी खेलता है, तब भी ये ऊंची जाति का कहलाता है। और ये जो व्यापारी है, लोगों का काम करके लोगों का पैसा नहीं देता है, तब भी ये ऊंची जाति का कहलाता है। वयम दीना, हम गरीब है। वयम धर्म चरामे अधर्मात् विधि में, हम धर्म का पालन करते हैं, अधर्म नहीं मानते। तथापि वयम स्पृश्य शूद्र, इसमें तब भी हम अछूत हैं, हम शूद्र हैं। तस्मिन् नैव क्षणे द्वे स्त्रयो जलम् आतिम् आगति, उसी समय दो स्त्रियां जल लेने के लिए आ जाती हैं। ते परस्परम संलपतः, वो आपस में बात करती है। क्या बात करती है, सुनिए ध्यान से। पहली स्त्री ने कहा, भुक्तुम् आगतः आदेश है जाना, मेरे पति का ये आदेश हुआ है जब वो खाने के लिए आए थे। भुक्तुम् आगतः माने वो खाने के लिए आए थे, तो उनका ये आदेश हुआ। यत् इदानीमेव कूपात् जलम् आनयति, कि इसी कुएं से जल लेकर आओ। दूसरी ने कहा, अस्मान् तिष्ठति विलोक्य पुरुषा द्रुयन्ति, हमें खड़ा देखकर तो पुरुष लोग हमें तुरंत ही भेज देते हैं। पहली ने कहा, आम इति, हाँ यही है, इदम् न कृतम् यत् स्वयमेव कलश उठाए जलम् आनयति, ये नहीं कि खुद ही कलश उठाकर और घड़ा उठाकर जल ले आए। आदिशति जलम् आनयति जलम् आनयति इति किम् अहम् दासी, और हमेशा आदेश देते रहते हैं कि पानी लाओ पानी लाओ, क्या हम दासी हैं। दूसरी ने कहा, दासी तो वसी है, हम दासी तो है ही। अन्नम वस्त्रम च त्वया न लभ्यते, अन्न और वस्त्र भी हमें प्राप्त नहीं होता है। किंचित् द्रव्यमपि यद्यते, कुछ पैसा दे देते हैं, तर्हि दासी का भविष्यति, अगर दासी होते तो क्या होता। प्रथमा, मां तापय भगनी के स्वल्पो अपि विश्राम अवसर न लभ्यते, उसने कहा कि बहन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे तो बिल्कुल भी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। मनो में सत्तम दूयति, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। एतावत् कार्यम मया अन्यस्य गृहे कृतम स्यात्, तर्हि सो अतीव सत्कारम कुर्यात्, यही कार्य अगर मैं किसी और के घर करती तो वो मेरा बहुत सम्मान करती। इत्थं ते द्वपि वार्तालापं कुर्वन्त्यौ जलम् आदाय गतः, और इस प्रकार की बातें करके ये दोनों क्या करती है, वहां से चली जाती है। बातें कर रही थी कि हम कैसे हैं, हमारे पति खाना खाने आए थे, उन्होंने हमसे कहा पानी लाओ पानी लाओ, ये नहीं कि खुद घड़ा उठाकर पानी ले आए और हमें आदेश देते हैं। अगर यही कार्य हम किसी और के घर करते तो हमें हमारा सम्मान होता, और यह हमारा सम्मान भी नहीं है। अनंतरम क्षत्रियस्य द्वारात् जना स्वगृहाणि गच्छन्ति, इसके बाद जो लोग जो है क्षत्रियों के द्वार से अपने घर को जाते हैं। शनै शनै गंगा साहसम कुर्वाणाम कूपम आरोति, धीरे धीरे करके गंगा साहस करते हुए हिम्मत करके कुएं पर चढ़ जाती है। सा कथंचित देवम प्रणम्य घटम अवतोलयति, वह कुछ देवताओं को धीरे धीरे प्रणाम करके और अपने घड़े को नीचे डुबाती है पानी में। यावत् घटे जले निमज्जति, जैसे ही घड़ा पानी में डूबता है, सा ध्वनि शमयन्ति वेगेन घटम आकर्षति, तब जैसे जैसे वो घड़ा पानी में डूबता है उसकी आवाज के तेज से, उसकी बहुत तेज आवाज होती है,
किंतु हाँ कस्टम पर वो सोचती है कि मैं इसकी आवाज धीरे धीरे करूं, वो धीरे धीरे गड़े को पानी में उतारती है कि जिससे कि आवाज कम हो। लेकिन क्या हुआ, हा कस्टम, बड़े दुख की बात है, तावद एवं क्षत्रिय द्वारम उद्घाटति, तभी एक क्षत्रिय दरवाजा खोलता है। द्वारे भीताया गंगाया हस्तात रज्जु निर्गच्छति, और दरवाजे पर उसको देखकर जो गंगा थी उसके हाथ से घड़े की रस्सी छूट जाती है। घटा वेगेन कूपे निपति, अब घड़ा बहुत तेजी से पानी में गिरता है। महान शब्द भक्ति और बहुत तेज आवाज होती है। वो ऐसे थे कि उन्हें पता लगता था कि कोई पानी लेने आया है, जैसे पानी की आवाज होती है घड़े से लेने की, तो वो देखने आते थे कि कौन है। अगर किसी अन्य जाति का होता था तो वो उसको खूब पीट कर, मार पीट कर भेज देते थे, अगर उन्हीं की जाति का है तो उसको वो पानी लेने देते थे। कितना कितना दुर्व्यवहार, कितना अनाचार होता था उस समय पर, आप सोचो कितनी जाति प्रथा से लोगों को परेशानी होती थी। क्षत्रिय का को अत्र भू, अरे क्षत्रिय ने कहा कौन है वहां, इति कतना आगच्छति, ऐसी आवाज आती है। गंगा वेगेन धावती, गंगा बहुत तेजी से दौड़ती है। हताचार्य साग्रहं प्रत्यागच्छति, और दुखी होकर वह अपने घर में पहुंच जाती है। सा पश्यति, वो क्या देखती है, जोकु तदेव मलिनम जलम पीबती, जोकु उस समय पर उसको इतनी प्यास लगी हुई थी कि वो गंदा जल, वो दूषित जल पी रहा होता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि जोकु गंदा जल पी रहा है। तो इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार जातिवाद था, कि इस कुएं से पानी लेना भी वर्जित था, कि और तो बात ही छोड़ दो, जब पानी जैसी चीज भी नहीं दी जाती थी, कितना कितना बुरा होता था उन लोगों के साथ, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। जैसा कि यहाँ जोकु को देखा आपने कि जोकु कितना परेशान था, उसको दवाई लेनी थी, उसको उसमें से तालाब के पानी में से दुर्गंध आ रही थी, फिर भी वो क्या करता, क्योंकि वहां से वो पानी ला नहीं सकती थी उसकी पत्नी, तो उसने वो पानी गंदा वाला ही पी लिया। प्रेमचंद जी ने उस समय की, उस समय होता था, ये आज नहीं है ऐसा, उस समय ऐसा होता था, उस घटना का वर्णन इस पाठ में किया है। पाठ में आए कुछ शब्द और उनके अर्थ है बच्चों, ये है निर्गच्छति, छूट गई, तड़ागार तालाब से, घृणम माने सूंघता है, निंद्यम माने निंदनीय, अपहरति माने छीनता है, अस्पृश्या अछूत, विलोक्य माने देख कर, चिंतय सोचो, दिनस्य अवसाने दिन की समाप्ति पर, अवतोलयति माने तोलता है, निमज्जति नहाता है, व्यय बीता हुआ कल, नियम्य पकड़कर या बंद करके, मां नहीं, अध्य माने आज, शब्दाने तुम लेने में, उद्घाटित है खुले हुए, और धृतम जुआ। अभ्यास कर रहे बच्चे हमारा, एक्सरसाइज नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने। पहला है क्षत्रिय से कूपे इति कथा केन लिखी, क्षत्रिय से कूपे इस कथा को किसने लिखा, इस कथा को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा। गंगा कस्मात स्थानात जलम आनीतम, गंगा किस जगह से जल लेने के लिए गई, गंगा क्षत्रिय के कुएं पर जल लेने गई, क्षत्रिय से कूपात जलम आनीतम गत। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यह है अनंतरम किम जातम, बाद में क्या हुआ, अनंतरम क्षत्रिय से द्वारा जना स्वग्रहाणी गच्छन्ति, बाद में क्या हुआ कि क्षत्रिय के द्वार से लोग अपने घर चले जाते हैं। कूपम आगतयो दासियो वार्तालापम लिखत, जब कुएं पर आई हुई जो दासियां थी उनका जो वार्तालाप है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। उन दोनों दासियों ने आपस में क्या बात की, पहली ने कहा जब मेरे पति खाने के लिए आया तो उसने कहा जल लेकर आओ, मैं जल लेने आ गई। दूसरे ने कहा ये नहीं कि खुद भरा उठाकर जल लेने के लिए आ जाए, हमें तो एकदम खड़ा हुआ देखकर तुरंत कहते हैं कि जाओ लेकर आओ, और अगर हम यही काम, हमारा तो हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, और ये काम अगर हम किसी और के यहाँ करें तो हमारा बड़ा सम्मान होता, लेकिन यहाँ हमारा सम्मान भी नहीं है। इस प्रकार की वार्तालाप करते हुए दोनों जो ये दासियां थी ये कुएं के पर आई थी और ऐसी बात करके वहां से चली गई थी। तो ये वार्तालाप आप इसको संस्कृत में भी चाहें तो संस्कृत में इन दोनों का वार्तालाप आप लिख सकते हैं, और हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी ये वार्तालाप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्मिन् जले डैश दुर्गंधम वर्धते, नेक्स्ट ततः कस्मात् डैश जलम अनेष्यसि, ततः कस्मात् स्थानात् जलम अनेष्यसि, गंगा
मूका इव दूरे तिष्ठति समयम गमसि। अयम डैश अस्ति, अयम ब्राह्मणे अस्ति, अस्य ग्रहे नित्यम द्यूतम भवति। नित्य इसके यहाँ पे घर में क्या होता है, जुआ होता है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है पिपासे आके व्याकुल हो गया, जोखू गंगा या क्षत्रिय, और प्यास से व्याकुल हो गया था जोखू। अस्मिन जले दुर्गंधा वर्तते, कूप नदियां या तड़ागा, तड़ागा जले। नेक्स्ट है मदिरा पिवन अपशब्दानी चवृति, ये मदिरा भी पीता है और अपशब्द भी बोलता है, कौन है ये, क्षत्रिय। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करो, इस जल में दुर्गंध है। अस्मिन जले दुर्गंध वर्तते, प्यास से मैं परेशान हूं, पिपासया आकुलो अहम, समीपी क्षत्रिय का कुआ है, समीपमेव क्षत्रियस्य कूपः अस्ति। सभी लोग जल ले जाते हैं, सर्वे जलम आनयन्ति, तुम दासी हो, त्वम दासीयसि, तुम दासी हो, त्वम दासीयसि। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है संधि विच्छेद करना है हमें। कूपम आरोहति, कूपम आरोहति, प्रत्यागच्छति, प्रति आगच्छति, इदानीमेव, इदानीम प्लस इव, जीवितमपि, जीवितम प्लस अपि, निर्गच्छति, नि प्लस गच्छति, निर्गच्छति। तो ये हमने संधि विच्छेद किए, एक्सरसाइज नंबर 6। वाक्यानि रचयेत, वाक्य बनाने, प्रत्यागच्छति, स गृहं प्रत्यागच्छति, चिंतम स चिंतम अकरोत्, चिंतम अकरोत्, आनय जलम आनय, सह कूपस्य समीपे गच्छति, जल लेने के लिए वो कुएं के पास जाता है, धारयितुं धारण करने के लिए, सह वस्त्र धारयितुं, वस्त्र धारयितुं आपणं गच्छति, अवतोलयति सह घटम कूपे अवतोलयति। तो इस प्रकार बच्चों कुछ शब्द आए हुए थे जिनका कि हमने वाक्य में प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा कार्य है रचनात्मक कार्य, एक्टिविटी बेस्ड कार्य है, जिसमें कि आपको जाति भेद की दूरी को दूर करने के लिए 5 वाक्य ऐसे लिखो कि जिनसे कि हम ये जो जातिवाद है जो फैला हुआ, पहले तो बहुत था अब भी कहीं कहीं है, इसको दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप। 5 वाक्य लिखकर, हिंदी में 5 वाक्य लिखिए
और इसे एक्टिविटी में अपनी होमवर्क कॉपी में करिए और इसको अपने टीचर को दिखाइए कि जातिवाद को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस प्रकार हम जाति को, हम किसी ऊंच नीच जाति की भावना से दूर होकर सभी जातियों को एक समान माने, तभी इस देश में, इस देश का विकास हो पाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।